खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ हेजी न्यूज में। राजस्थान की बंजर जमीन से हमारे सामने ये मामला आ रहा है जहाँ पर अकेले आदमी ने 27,000 पेड़ लगा दिए अकेले और खुद ही अकेला उनको पानी देता है। बहुत बड़ी मिसाल बना हुआ है, चलिए जानते हैं इनके बारे में। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। राजस्थान के जोधपुर से हमारे सामने मामला आ रहा है जहां पर रनाराम नाम का एक शख्स है जिसकी एज एक्चुअली 75 ईयर है और उसने अभी तक वहां की बंजर जमीन में 27,000 पेड़ लगा दिए हैं। आजकल आप लोगों को पता है कि जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे पेड़ों की कटाई होती जा रही है। पेड़ों की अगर कटाई होती जा रही है तो जमीन चाहिए, इसीलिए जमीनों के ऊपर घर बनते जा रहे हैं और उसी के साथ जो नेचर है वो काफी ज्यादा दूषित हो चुका है। कहीं ना कहीं बारिश हो जाती है जब एक्चुअली वहां पर मौसम नहीं होता और कहीं इतनी ज्यादा ठंड पड़ने लग जाती है जहां पर गर्मियों का मौसम होता है। इस चीज से हम लोग कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि अभी हमने पेड़ कितने ज्यादा काट दिए हैं और इसके ऊपर जो वातावरण जो विभाग रहता है और बहुत सारे लोगों को कभी कभार इवेंट करता है, बुलाता है और उन लोगों को ये सब चीज एडवाइस देता है कि उनको अपना वातावरण क्लीन रखना है, पेड़ लगानी है, ये करना है, वो करना है। पर आज तक वो लोग इतना ज्यादा नहीं कर पाए जितना ज्यादा ये बंदा अकेला ही कर पा रहा है। तो इसने बंजर जमीन पे 27,000 पेड़ लगा दिए हैं और इसकी जो प्रशंसा है ये अभी जो वन विभाग वाले हैं, अधिकारी हैं, सब लोग करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो लोग खुद बोलते हैं कि हम लोग इतना कह के थक गए पर कोई इसका ध्यान तक नहीं रखता, हमने आज तक नहीं लगा पाए एक ही साथ ये सब चीजें, पर ये अकेला आदमी इतना बड़ा काम कर रहा है तो इसको तो हम सैल्यूट करते हैं। ये काफी ज्यादा चर्चा का विषय है जहां पर हर जगह पर इस आदमी का नाम घूम रहा है और लोगों के लिए बड़ी मिसाल बन रहा है। और वो एक ही चीज बोलता है कि अगर वातावरण साफ रहेगा तो हमारी जिंदगी काफी ज्यादा लंबी होगी, हम अपने बच्चों के साथ ज्यादा टाइम बिता पाएंगे। पर आजकल की जो जिंदगी है वो काफी ज्यादा फास्ट है और उसी के साथ लोग अपने घर बनाना चाहते हैं जो कि सबकी उम्मीद है, वो बनाना तो चाहते ही है, पर उसी के साथ उनको पेड़ पौधे लगाने चाहिए, अपने घर के आजू बाजू में लगाने चाहिए और वो वातावरण ठीक रखे, सब चीजें ये बोलता है। आपको क्या लगता है वातावरण के ऊपर? दो लाइन लिखते हुए जरूर जाइए कमेंट बॉक्स में और साथ के साथ लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग एच न्यूज़।